रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। बालू के भीत कतनो मेहनत लगन परिश्रम से बनाई ओकर तासीर ह बिखरना बिखरिए जाई। गोर लगत नहीं स्वागत बोल वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लगातार हमनी के बिहार के राजनीति और अलग अलग राजनीतिक दल के क्रियाकलाप पर नजर बनौले बन जा और रुवा लोग के करेक्ट कट जाए ऐसे कि चुनाव जैसे जैसे समय बीता जाता और नज़दीक भर जाता और बिहार जन के कहल जाला कि अपना अलग एगो पहचान राजनीतिक विरासत और बहुत कुछ समेटले बा अपना अंदर में ओकरा के दुनिया भर में फैलावे के बा बिहार के मजबूत करे के बा और विकास के पंख चाहिए वो पंख लगावे के बा। हालांकि चर्चा बहुत भई रहे डबल इंजन के सरकार के बाद भई कितना विकास भइल इरुआ लोग से छुपल नहीं के आंकड़ा कुछ भी कहे लेकिन वास्तविकता का बा उ जमीन पर रुआ चलत नजर आ जाए ऐसे कि विकास झांपी में ना ओड़ा में ना तो पाई वो जितने तोपब उतने ऊपर आई। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई बा और इस तेजी में बने और बिकड़े के दोस्ती और दुश्मनी के नया नया कहानी शुरू हो गई बा। बार बार हम चर्चा करता नहीं और चर्चा के विषय और बिहार के केंद्र बिंदु में अगर कोई बा तो दुइया आदमी बा। केंद्र बिंदु में चर्चा के विषय एगो भारतीय जनता पार्टी के उ नेता बाड़े जो नीतीश कुमार के विरोध में स्वर बुलंद किले बाड़े और दूसर उ नेता बाड़े जो महागठबंधन के समेटे खातिर लगातार प्रयास करता रहे। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जे सक्रिय रही ओकर चर्चा होइबे करी। हम बात करते नहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी के। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के राजनीति में अपन नजर और अपन जो सोच बा ओकरा के लेके आगे बढ़ता हूं। दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष में नीतीश कुमार के अपन नेता मान चुकल बा लेकिन विरोध में उनका लगातार स्वर बुलंद होता चर्चा का विषय ही बा। एक चर्चा का विषय और बा और तीसरा कोण में चर्चा का विषय पप्पू यादव बाड़न। पप्पू यादव भी लगातार जो पटना के स्थिति रहे बाढ़ से आधा पटना डूब गई रहे उकरा बाद एक बैग जोन जनता के बीच में उनकर क्रेज बनल उनका सेवा से जोन जनता उनका आकृष्ट भई वह एगो बहुत बड़ा मुद्दा बा जॉन पूरी तरह से बिहार के राजनीति में ट्रेंड करते हुए और एकरा के लेकर के आगे के राजनीति और रणनीति बनाए में सबको जुट गई बा। अपन अपन रणनीति पर काम चल रहा बा। जहाँ एक तरफ महागठबंधन के बात करी तो महागठबंधन में कहल जा रहा बा कि बिखराव हो गई बा जीतनराम मांझी के लेकर के बहुत कुछ बात हो रहा बा। आज बिहार के राजधानी पटना में पंचायती भवन में महागठबंधन के एगो बैठक भइला। इसमें महागठबंधन के शामिल सब दल रहे लेकिन एगो दलों में नदारत रहा जो एक दिन पहले ये घोषणा कैलस कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी एक टाइम फ्रेम के अंदर नहीं बनल तो समझ ला कि हम बाहर बानी। लेकिन एकरा पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित बा जौन कि आज के बैठक में भी शामिल रहा है कि जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी महागठबंधन के हिस्सा बा खींच पीत होत रहला लेकिन वो अलग नहीं खन। कांग्रेस के मजबूती के पीछे कारण बहुत सारा हो सकेला। जहां एक तरफ आरजेडी के कोई बड़ा नेता ना रहे वही जे मुकेश सहनी जिनका पर लगातार महागठबंधन में बड़ा टूट के और जीतन राम मांझी के साथ प्लानिंग करे के आरोप रहा आज उ झटका दे दिले जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी बैठक में शामिल ना भइले हा लेकिन मुकेश सहनी शामिल भइले हा उनका चेहरा रुआ देख ली वीडियो में। मुकेश सहनी जौना तरीका से मुस्कुरा रहल बड़े उनकर मुस्कुराहट बता रहल बा कि वो राजनीति अब पूरी तरह से सीख गई बा या सीखे के एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में तैयारी उनकर जबरदस्त जारी बा। उपचुनाव के पहले जे कुछ भी कहले रहन वो पब्लिक डोमेन बा और मीडिया चैनल्स ओकरा के बड़ा प्राथमिकता के साथ देखौले रहन। अब ओकरा बाद जब चुनाव हो गई और एक सम्मानजनक उनका वोट मिल गई ओकरा बाद मुकेश सहनी जे कुछ भी बयान में पलटी मारले राजनीति में देखिए पलटी मारल कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। राजनीति करे वाला लोग के समय वक्त और स्थिति के हिसाब से बयान बदले में
मानसिकता बदले में और दल बदल में जरा भी देरी ना लगे। खास करके देश और लोकतंत्र कई हाल ही एक उदाहरण दे चुकल बा। बिहार में भी अगर हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बात करते नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा बेहतरीन ढंग से इस संगठन के महागठबंधन के मजबूत करे के हम बार बार ये बात रोल के सामने ऐसे लिया होता नहीं कि महागठबंधन के स्वरूप बड़ा होके जा रहा बा। आज CPI CPIML और वामपंथी के अलग अलग धड़ा जोन बाड़े उनका रहना यह बात के तरफ इशारा करता कि कहीं ना कहीं वो प्रयास में जना प्रयास में उपेंद्र कुशवाहा लागल बाड़े महागठबंधन के एकजुट करे में और बड़ा करे में नीतीश कुमार के कड़ा टक्कर देवे में ओकरा में उनका सफलता मिल रहा बा। सत्यनारायण एक बड़ा नाम बाड़े वामपंथ के, वो मौजूद रहे हैं 13 तारीख के जिला मुख्यालय पर जबरदस्त नीतीश सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के तैयारी महागठबंधन के बाद और विरोधी लोग जे भी बा नीतीश विरोधी खेमा उस सारा लोग के एकजुट करे के करे में उपेंद्र कुशवाहा सफल भइल है। हालांकि उनका अपना महागठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जीतन रामाजी रूसल फूलल बाड़न, लेकिन कांग्रेस का कहना बा कि उनका का मना लिया एमे सब कोई मौजूद रहा। कांग्रेस के तरफ से बड़ा नेता अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे, खुद अपने RLSP के सर्वे सर्वा उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे, पूरा लीड करते रहे है पूरे प्रेस वार्ता के। उनका बगल में सपोर्ट सिस्टम के सबसे बड़ा चेहरा माधव आनंद रहे है, पीछे में पूरा RLSP के जो पदाधिकारी बाड़े वो बैठा रहे है। CPI CPIML सब लोग यहाँ मौजूद रहा, अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे है और बगल में बैठा रहे मुकेश सहनी भी, RJD के भी प्रतिनिधित्व रहा अर्जुन राय वजह मौजूद रहे हैं। इस सब के लेकर के अब आगे के रणनीति तैयार होता और पूरा वीडियो रुआ के बताई कि एक कर प्रतिफल का हुई कारण कि जितना चेहरा पर और बात में वजन नजर आई था प्रेस वार्ता में, खास करके उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस CPI और वामपंथ के अलग अलग धड़ा के वही बता रहा बा कि आए वाला समय नीतीश कुमार खातिर मुश्किल भरा हो सकेला। कहीं ना कहीं जब चिंगारी लग गई बा तो धुआं बढ़ हुई और घुटन भी हुई, निश्चित रूप से सरकार घुटन महसूस करी। ई बुआ 13 तारीख के बाद देखे के मिल सकेला। जुड़े रही समय न्यूज़ बिहार भारत लाइव के साथ, वीडियो देखी और वीडियो सब कुछ रुआ के बता दी। गोड़ा अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।